जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टेक में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रैम को जो यहाँ पे क्लियर miui9 के अपडेट में जो रैम प्रॉब्लम थी उसको के यहाँ से सोल्यूशन आप पा सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की शिकायत थी कि miui9 से जो यहाँ पे रैम बची हुई थी कितनी यूज़ की हुई वो यहाँ से हटा दिया नहीं दिखाई देती थी, तो उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। Xiaomi ने हटाया नहीं है, बस उसको अलग सेटिंग में रख दिया गया, आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा miui9 वर्जन है, यहाँ पे 1.2 GB और अब 3 GB अवेलेबल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेमोरी जो रैम का स्टेटस है। तो चलिए आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको बताऊँ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेटेक, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय आपको टिप्स ट्रिक्स अर्निंग से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, आपकी जिंदगी के कई मायने बदल सकते हैं मेरी वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केवल सब्सक्राइब कीजिए नहीं बल्कि शेयर भी कीजिए। तो चलिए आपको मेन मुद्दे की बात बताते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको टू फिंगर्स अपने मोबाइल की स्क्रीन पे रखनी होगी और यहाँ पे मैंने रख दिया है, और नीचे की ओर दोनों फिंगर स्वाइप करनी होंगी, और जब नीचे की ओर दोनों फिंगर आपस में मिलाएंगे आप तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा इसका। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वेट भी जा सकते हैं, बट आपको जाना कहाँ है, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आपको मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोर में जाना होगा। मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सो मेमोरी स्टेटस सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, सो मेमोरी स्टेटस, तो यहाँ पे इनेबल होगा, डिसेबल होगा, यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे वैसे ही आपका जो मेमोरी है वो दिखने लगेगा, जरूर दिखेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप लोग करिए और दिखेगा, बस आज के लिए इतना ही। बहुत छोटा सा वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से ये टिप्स या ट्रिक्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए। थैंक यू।